प्यारे बच्चों, ये देखिए शुभम है और इनसे हमने भिन्न चैप्टर इन लोगों को पढ़ाया था, आपको भी पढ़ाया था। तो इनसे भिन्न के बारे में इनका टेस्ट ले लें कि इनको कितना आता है कितना नहीं आता है। शुभम, जैसे आप एक सवाल बताइए, पहला सवाल आपके लिए। ए पीछे भैया, बात नहीं करते रहोगे, हमारी बात भी तो सुन लो, है ना। देखना, जैसे हमने लिखा 5/7, आपको इसका व्युत्क्रम बताना है। क्या बताना है बेटा? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न पढ़ी है आपने? यस सर। तो बताइए फिर, लिखिए। चौक है आपके पास? ठीक है, 7/5 उधर दिखाई दे रहा होगा, 7/5 लिखा होगा। तो 5/7 का व्युत्क्रम क्या है? 7/5। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब होता क्या है वैसे, पता है आपको? यस सर। क्या होता है? संज्ञा उल्टी करनी। उल्टी कर दो, मतलब विपरीत कर दो, अंश हर में ले जाओ, हर अंश में ऊपर नीचे चेंज कर दो, मतलब है ना। एक इकाई इकाई भिन्न का उदाहरण लिखिए इसमें, एक इकाई भिन्न। अच्छा, विषम भिन्न का एक उदाहरण लिखिए इसमें। विषम भिन्न। पीछे भी यार, डोंट टॉक, बातें नहीं। ये विषम भिन्न का उदाहरण बच्चों, ठीक है इनका? क्या बोलो भैया सब लोग? ठीक है, विषम भिन्न का है, ठीक है भैया है। अच्छा, एक सवाल बताओ शुभम, जैसे आपसे हम पूछें कि 3 पहर पूरे दिन का कितना हिस्सा होता है? क्या सवाल पूछा? 3 पहर। 3 पहर पूरे दिन का कितना हिस्सा होता है बताइए, भिन्न में लिख के बताइए। भिन्न में 3 पहर पूरे दिन का बताएं, बोल के बताइए। बोलेंगे केवल लिख देंगे बस, बोल के बताइए, पढ़ना आता है कि नहीं आता? पढ़िए सर, 3/8। 3/8। अच्छा, आपने ये अपॉन में 8 क्यों लिख दिया, क्या रीजन है इसका? क्योंकि सर एक दिन में पहर 8 होते हैं। पहर 8 होते हैं सर। अच्छा, 3 ऊपर क्यों लिखा आपने? क्योंकि 3 पहर, 3 पहर हैं, उसका हिस्सा बताना, इसलिए 3 ऊपर लिख दिया। ठीक है, एक सवाल और इधर है, फिर पूछे आपसे हम। जैसे एक सवाल आपको बताना है बेटा, जैसे ये हमने एक आकृति बनाई है, इसे क्या बोलते हैं पहले ये बताइए। त्रिभुज। जोर से बोले, त्रिभुज। त्रिभुज बोलते हैं। इस त्रिभुज के अगर हम ऐसे हिस्से कर दें बेटा, इसमें से ये सारे हिस्से ये मान लो कि बराबर हैं। कैसे हैं बेटा? बराबर। हमने 2 हिस्से इसके रंग दिए, तो रंगे हुए भाग को कैसे लिखेंगे भिन्न में, लिख के दिखाइए। रंगा हुआ भाग कितना है इसका? 2/6। 2/6। 6 बोलना गलत होता है भैया, 6 सही होता है, पढ़ाया था आपको। 6 बोलना गलत होता है, 6 बोलना गलत होता है, 6 होता है। तो 2/6 आंसर है, रंगा हुआ हिस्सा इन्हें लिखा 2/6। अच्छा, बिना रंगा हुआ कितना है, जरा लिख के दिखाना। 4/6। 4/6, बिल्कुल भैया इनकी बात सही है, बिना रंगा हुआ 4/6 है। अच्छा, एक काम करिए, जो 4/6 है, पहले ये बताओ भिन्न सम है कि विषम है? ये सम भिन्न है। सम भिन्न है, वेरी गुड। ये क्या इकाई भिन्न नहीं है? नहीं सर। कैसे बता आपको नहीं है? क्योंकि सर ऊपर एक नहीं है। एक नहीं है, ऊपर एक होना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा, ये सरलतम रूप में है या नहीं है भिन्न? सरलतम रूप में सर नहीं है। नहीं है, तो सरलतम रूप में करके दिखाओ जरा थोड़ा। देखो बेटा, देखो मतलब कितने अच्छे से सवाल बता रहा है, देखो तो आप पहले। 2/3। 2/3 सरलतम रूप में है, क्लियर है आपकी बात? बिल्कुल सही है भैया, कि 4/6 सरलतम रूप में नहीं था, बच्चे ने हल किया 2/3, राइट। आपको हमने जो आज पढ़ाया था, इस 5 तारीख को जो आज पढ़ाया है, क्या पढ़ाया जरा बोल के बताइए, थोड़ा बताइए। सतत भिन्न और दशमलव भिन्न। वेरी गुड, बोलना सीखे, क्योंकि आपने ये चीजें पहली बार सुनी है ना। जब आप इन चीजों को बोलोगे तभी तो आपको बोलने की आदत पड़ेगी बच्चों। होता क्या है कि जैसे हम आप लोग जैसे घरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां जो चीजें बोली जाती हैं तो वो हम लोग एकदम से बोल देते हैं, और जो चीज कभी नहीं बोलते हैं, कभी कभार सुनने को मिलती है, तो वो मुंह से निकलने में भी दिक्कत करती हैं, है ना। तो अगर कोई चीज आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उस शब्द को कई बार बोलो, जिससे कि आपको बोलना आ जाए। जैसे ये दशमलव बोल रहे हैं लेकिन हिचकिचा के बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने
पहले कवि ढंग से उस चीज को ज्यादा बोला ही नहीं होगा, है ना। तो दोबारा बताओ क्या क्या पढ़ाया बताओ। अच्छा, सतत भिन्न दशमलव भिन्न, सतत भिन्न और दशमलव भिन्न। अच्छा, सतत भिन्न का दूसरा नाम बता दो क्या है। वितत भिन्न, वितत भिन्न है। अच्छा, जैसे एक भिन्न हम लिख रहे हैं आपके सामने, इसे बिगाड़ रहे हैं जरा, ये बताओ ये सतत भिन्न है या नहीं है। नहीं, अब दो लिखेंगे आपके सामने बातें, उन दोनों में पहचान करके आपको बताना है कि कौन सी वितत भिन्न है। एक ये लिखा है और एक लिखा है आपके सामने ये, इन दोनों में से सतत भिन्न कौन सी है। पहली वाली है। बताएं, सतत भिन्न ये वाली है कि नंबर एक वाली है। नंबर एक वाली। क्लियर है आपकी बात। फिर ये कौन सी भिन्न है। ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न है। बच्चों क्लैपिंग क्लैपिंग, बिल्कुल सही बात है भैया कि 5 सही 6/11 ये मिश्र भिन्न है, सही बता पाए, और ये क्या है, सतत भिन्न है। आप इस मिश्र भिन्न को हल कर सकते हो। हल करके बता दो जरा क्या होगा। मतलब पहले सोच लिया है। यस सर। हद है यार, मतलब पहले दिमाग लगा लिया। अच्छा, कैसे दिमाग लगाया जरा बोल के बताओ। सर 11 का इसमें गुणा करेंगे। करिए, 11 गुणा करिए, कितना होगा। 11 पना 55, अब 55 में 6 जोड़ो देंगे। 55 में 6 जोड़ो कितना होता है। 61। हमें तो 62 लग रहा है। सर 61। अरे होश में बताओ, थोड़ा 62 लग रहा है। नहीं सर 61। 11 पंचे 55 और 55 में 6 जोड़ो बच्चों, 61 होगा कि 62 होगा। सही बोल रहे हैं ये। सही बोल रहे हैं भैया, सही बोल रहे हैं। मतलब भरोसा है मैं अपने ऊपर, है ना। एक लास्ट में केवल क्वेश्चन बता दो आप, जैसे इस 4 का व्युत्क्रम बता दो क्या होगा ये। अच्छा, पहले तो ये बताओ 4 एक भिन्न है या नहीं है। है सर। 4 को भिन्न कह सकते हैं। यस सर। क्यों कह सकते हैं बताओ। क्योंकि सर 4 अकेला नहीं होता, उसमें नीचे एक छुपा होता है। एक छुपा होता है, मतलब नीचे के, मतलब आप ये कह सकते हो हर में छुपा होता है। यस सर। अपॉन में 1 अपने आप मान सकते हो, क्योंकि एक का भाग करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 का व्युत्क्रम भिन्न बता दो क्या होगा। 1/4 कितना होगा भैया। 1/4 सही है। यस सर। ये सम भिन्न है कि विषम भिन्न है। ये सर जी सम भिन्न है कि विषम भिन्न। सम भिन्न है भैया। देखिए, शुभम ने वास्तव में बहुत अच्छे से बताया है, और मुझे पता है कि हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे ये बात पता है। लेकिन बच्चों, कुछ लोग, आप लोग कमजोर भी हो, है ना, मैं उनकी क्लास अलग से पढ़ाऊंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ पाए इसलिए। लेकिन शुभम ने सारे सवाल सही बताए, ये बहुत अच्छी बात है ना। थैंक यू सो मच फॉर दिस। पढ़ते रहो इसी तरह से। थैंक